सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हमारे पास कुछ है प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास में है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1। कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1। यानी कि ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज हैं। इसी टाइप से आप देख रहे होंगे कि टेन इन्वर्स एक्स 1/x की वैल्यू कॉट इन्वर्स एक्स, एंड आगे भी हम देख रहे हैं साइन इन्वर्स -x इज इक्वल टू -sin इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स -x इज इक्वल टू -tan इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स -x इज इक्वल टू -cosec इन्वर्स एक्स, नेक्स्ट कॉस इन्वर्स -x इज इक्वल टू पाई -cos इन्वर्स एक्स, sec इन्वर्स -x इज इक्वल टू पाई -sec इन्वर्स एक्स, cot इन्वर्स -x इज इक्वल टू पाई -cot इन्वर्स एक्स। कुछ तीन प्रॉपर्टीज ये हैं, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पर आप देख रहे हो सभी की वैल्यूज पाई बाई टू है, साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स एक्स को हमने ऐड करा तो पाई बाई टू मिला। इसी टाइप से टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स का की वैल्यू पाई बाई टू, कोसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स का सम करने पर वैल्यूज मिलती है पाई अपॉन टू। फिर कुछ फॉर्मूलाज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी टाइप से टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन वाई की है। देन टू टेन इन्वर्स एक्स की तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास में है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन साइन इन्वर्स, सेकेंड इज कॉस इन्वर्स, थर्ड इज टेन इन्वर्स एक्स। एग्जाम्पल थ्री में, ये एग्जाम्पल थ्री है, इसमें भी ये एक तरीके से दो प्रॉपर्टीज हैं, साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इन्वर्स एक्स। आप दोनों में देख रहे होंगे यहां पर x की वैल्यूज कहां से कहां तक लाइज कर रही है, फर्स्ट वाले केस में -1/√2 से 1/√2 तक, एंड सेकेंड केस में 1/√2 टू 1 तक लाइज कर रही है। इसके अलावा हमारे पास में यहां पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये प्रॉपर्टी सफिशियंट है। लास्ट में, बुक के लास्ट में यहां पर हम देखते हैं तो जहां पर ये समरी लिखी हुई है, इस समरी में आप सारी प्रॉपर्टीज एक साथ देख सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए सफिशियंट हैं, हमको इससे बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोई और बुक उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, लेकिन उतनी प्रॉपर्टीज की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है ये, प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव करने के लिए कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 to 1/2। अभी हमको प्रूव करके लाना है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, हम इसमें से इसको लेके चल सकते हैं, तो ये हमको दिखाना पड़ेगा। यदि इस पार्ट को लेके चलते हैं तो ये पार्ट हमको प्रूव करके लाना है। तो अभी मैं LHS को ले लेता हूं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैं आप लोगों से यहां पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग 11th क्लास की बुक उठाकर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे उन सारे फॉर्मूलों को एक बार लर्न कर लीजिए, एक बार उन पर निगाह मार लीजिए कि वो फॉर्मूले क्या थे। यदि वो फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन करना तो सीख जाएंगे लेकिन क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं। यदि फॉर्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत इजीली होंगे आपसे। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अभी हम देखते हैं कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हमारे पास में है, यानी कि यहां हमारे पास ये जो पार्ट है 3x माइनस 4x क्यूब,
इस पूरे पार्ट में x की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यूज में रिप्लेस करूं जिससे कि यहां पर मेरे को साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो यदि मैं यहां पर पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा कर दूं, यदि मैं x की जगह पर साइन थीटा कर दूं, तो यहां से थीटा की वैल्यू मिलती है मेरे को साइन इनवर्स x। तो मैं यहां पर x की जगह पर साइन थीटा डालता हूं, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब आपको कुछ याद आ गया होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब ये अब साइन वर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बच गया अब 3 थीटा। क्या बचा हमारे पास, 3 थीटा। अब थीटा की जगह मैं थीटा की वैल्यू डाल देता हूं, तो थीटा की वैल्यू थी मेरे पास साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स यानी कि एलएचएस। तो मैं यहां पर आरएचएस लेके चला, ठीक है, मैंने आरएचएस लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और प्रूफ करके ला दिया मैंने 3 साइन इनवर्स एक्स यानी कि एलएचएस। अब इसी टाइप से यदि मैं अपना सेकंड क्वेश्चन देखता हूं, तो सेकंड क्वेश्चन में 4x क्यूब माइनस 3x है। तो आपको इससे कुछ याद आ गया होगा, कुछ समझ में आया होगा कि x की जगह पे हमको क्या रखना है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, x की जगह पे हमको रखना है cos थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इट मीन cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, तो 3 cos इनवर्स x हमारा प्रूव हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टीज अभी देखी थी, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हमारे पास ये x है और ये y है, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करी इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 टेन इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 264 माइनस 14, एल से मेरा कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स 125 अपॉन 250, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो टेन इनवर्स 1/2, ये हमको प्रूव करके लाना था। इसी टाइप से क्वेश्चन फोर्थ है, तो 2 tan इनवर्स x, पहले हम यहाँ पर 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी लगाएंगे। 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी 10 की फॉर्म में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म हमारे पास में tan इनवर्स की है। तो तीन प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी आपको 10 की, तो उसमें से जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। पहले हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंड देन टेन इनवर्स 1/7 के साथ में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। तो यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि टेंथ क्लास में हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सारे क्वेश्चन इन्हीं तीन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि यहां पर इस वाले पार्ट को सॉल्व करके मुझे
कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है कि जो यहां पर टेन बन जाए, टेन का फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि यहां पर टेन इनवर्स है। तो अभी मैं अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूलाज मैं यहां पर पुट कर देता हूं टेन थीटा। टेन इनवर्स रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो रहा हमारे पास सेक थीटा। टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। इनको भी मैंने साइन कॉस की टर्म में, साइन कॉस की टर्म में ब्रेकअप करा, तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको भी ब्रेक करता हूं मैं। टेन इनवर्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन थीटा बाय टू कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा थीटा बाय टू। हमने यहां पर x की जगह पर पुट करा था टेन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास टेन इनवर्स x। तो वन बाय टू थीटा की वैल्यू डाल देता हूं टेन इनवर्स x।